फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सुधीर रिव्यू चैनल। हुंडई की क्रेटा बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल कार है टाइप 1। आज टाइप 1 क्रेटा को प्रीमियम लेवल के इंटीरियर मॉडिफिकेशन करने वाले, साथ के साथ नेक्स्ट लेवल के इसके डैशबोर्ड में काम कर रहे हैं। तो क्या क्या काम हो रहा है वो दिखाते हैं। पहले क्रेटा कैसी दिख रही है वो दिखाएंगे, साथ के साथ कैसी मॉडिफिकेशन हुई है, मॉडिफिकेशन के बाद कैसा लुक निकल के आ रही है वो भी आपको दिखाने वाले, तो आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और गाइज, ये जो मॉडिफिकेशन हो रही है बहुत ही बजट में, कम प्राइस में, और कहाँ मॉडिफिकेशन करें कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो को लास्ट में आपको प्राइस भी क्लियर करेंगे इसी वीडियो में, ताकि आप अच्छे से अपना एक बजट बना के और मॉडिफिकेशन करा सकते हो। तो चलिए फटाफट से दिखाते हैं क्रेटा और कैसी मॉडिफिकेशन है, कमेंट्स करके जरूर बताना। कोई भी क्वेरी हो गाइज आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, तो डायरेक्टली आप इस शॉप के ऑनर को कॉल कर सकते हो। तो दिखाते हैं आपको क्रेटा। तो ये है अपनी ओल्ड क्रेटा जिसे हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और इसको हम इंटीरियर फुल मॉडिफिकेशन करेंगे, प्रीमियम लेवल की इंटीरियर मॉडिफिकेशन होने वाली है। तो एक बार दिखाते हैं अभी का कंडीशन आपको, और आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि किस हिसाब से हमने मॉडिफिकेशन किया है। अभी के इंटीरियर देखो और मॉडिफिकेशन के बाद कैसी लुक निकल के आएगी वो। तो चलते हैं, दिखाते हैं इंटीरियर में क्या क्या काम चल रहा है। फ्रेंड्स, ये है अपनी क्रेटा 2017 और ओल्ड वाली क्रेटा के इंटीरियर, और डैशबोर्ड देख सकते हो ड्यूअल टोन में इसका डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड की कलर की बात करूं तो ये देख सकते हो ब्लैक एंड बेज कलर है, और हालांकि ये गंदा हो रखा है कलर का आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ड्यूअल टोन में है, बेज कलर है। और इस चीज़ को भी हम चेंज करें, पूरी इंटीरियर को मॉडिफाई करेंगे, पूरी डैशबोर्ड खोल दी जाएगी। अभी साथ में डैशबोर्ड को खोल रहे हैं कि ताकि इस पर एक प्रीमियम लेवल का काम किया जाए। और गियर नॉब देख सकते हो, गियर नॉब को भी अपग्रेड करेंगे। ये है गियर नॉब अभी, और इसका म्यूजिक सिस्टम सेम रहेगा, उसमें हम कुछ अपग्रेड नहीं कर रहे म्यूजिक सिस्टम में, लेकिन जो इंटीरियर का थीम दे रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। एक बार साइड से व्यू देख लो क्रेटा की, और एक बार रियर की कंडीशन दिखाता हूँ अभी कैसी क्रेटा है, और एक बार रियर की कंडीशन देखो गाइस, बहुत ही बुरी कंडीशन में है। और ये जो ओरिजिनल सीट है वही रखी गई है, अभी तक सिर्फ क्रेटा को कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिया गया मेजर, तो अब कंप्लीट मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। सीट की हालात देख सकते हो, तो एक बार फटाफट से आपको एक लुक दिखा रहा हूँ कि अभी गाड़ी किस कंडीशन में है, मॉडिफाई होने के बाद कैसी लुक निकल के आएगी, तो आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। एक बार रियर से फ्रंट की लुक देखो, तो ये है डैशबोर्ड का जो लुक आ रहा है पीछे से, ये है, और इसे चेंज करेंगे, रूफ पे येलो लाइट है। तो बहुत सारी डिटेल मॉडिफिकेशन होने वाली है अब बहुत ही कम प्राइस में, तो डिटेल वीडियो होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और ये साइड के पिलर चेक कर लो, पिलर को भी हम इसे एक नया कलर देंगे, नया थीम देने वाले हैं। तो ये देख सकते हो टाइप पिलर ए देख सकते हो फ्रंट के, और सारे पिलर को भी चेंज करेंगे। तो अभी का कंडीशन दिखा दिया, रॉ कंडीशन में है, और स्टेयरिंग पे कोई रैपिंग नहीं है, ये सिर्फ जो कंपनी फिटेड आता वो वाली रैपिंग है, देख सकते हो ब्लैक में, जो कि काफ़ी घिस चुकी है और लग रहा है जैसे प्लास्टिक का चढ़ाया हुआ है। तो ये वाली कंडीशन है अभी क्रेटा की। तो फटाफट से इसकी मॉडिफिकेशन करते हैं और दिखाते हैं मॉडिफिकेशन के बाद कैसी लुक आई, और बीच बीच में जो काम चलेगा वो भी आपको शॉर्ट दिखाते रहते हैं। तो गाइस, क्रेटा में 80% काम हो गए, और मैं दिखाना चाहूँगा सीट कवर जो हमने रखा है, ये वाली सीट कवर हमने रखा है अल्ट्रा कम्फर्ट वाली। एक बार सीट कवर की फिटिंग देख लो, और ये अल्ट्रा कम्फर्ट वाली एक्स्ट्रा कुशनिंग है, और ये देख सकते हो 3 लेयर में, और इसका स्टिचिंग देखो साथ के सेम थ्रेड में रखा हमने। तो ये हमने अल्ट्रा कम्फर्ट वाली सीट कवर फाइनल किया है अपनी क्रेटा में, और सीट कवर कैसे लगेगी जरूर फिटिंग के बाद दिखाऊंगा। ये अभी डेमो के लिए अभी यहाँ फर्स्ट वाली सीट कवर तैयार किया है, साथ के साथ सारे पिलर रेडी हो चुके हैं। पिलर देख रहे हो, पिलर भी सेम हम मैच कर रहे हैं, ए बी सी, और ये रियर का भी पिलर मैच हो रहा है, साथ के साथ यहाँ पे स्टिचिंग भी कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ आप करीब से देख लो, इसकी लुक को काफ़ी प्रीमियम बनाने वाली है। और ये आपने कलर देखा होगा फॉर्चूनर में, तो सेम वाली भी इनसाइड में देख सकते हो, लेफ्ट साइड का डोर का कलर हमने बिल्कुल प्रीमियम लेवल का तैयार कर दिया, और साथ के साथ रियर का जो पिलर है वो जो सी पिलर है उसको भी हमने कलर में कर दिया। एक बार दिखाना चाहूँगा करीब से, ये देख सकते हो ये कर दिया तैयार, और यहाँ पे मैं क्लियरली दिखाऊँ, ये है जी कलर अपना चॉकलेट कलर में। तो गाइस, रियर वाली जो डोर है उस पर हमने लेदर चढ़ा दिया है, जो कपड़ा चढ़ा दिया, और ये देख सकते हो गद्दे पे, और इसकी स्टिचिंग रखा है ताकि ये प्रीमियम लेवल की हो। और ब्लैक एंड चॉकलेट कलर की कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो क्रेटा की, एक डोर तैयार हो चुकी है,
इन साइड में अभी बहुत ही काम बाकी है, पूरी डैशबोर्ड का काम बाकी है, साथ के साथ फ्लोरिंग भी होना बाकी है। और यहाँ देख सकते हो डैशबोर्ड यहाँ है, इसको हम कैसा दे रहे हैं, क्या इस पर कपड़ा चढ़ा रहे हैं या कौन सी लेदर होगी, ये भी आपको डिटेल बताऊँगा। और रियर के पिलर देख सकते हो चॉकलेट कलर में। गाड़ी की कंडीशन अभी देखकर आप बिल्कुल नहीं सकते कि किस लेवल की मॉडिफिकेशन है, फुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, फुल मॉडिफाई करने वाले हैं क्रेटा को। तो अभी का एक सैंपल अभी रेडी हो चुका है, साथ के साथ सीट कवर भी इसके रेडी होंगे। सीट कवर फिटिंग होने के बाद पूरी गाड़ी की लुक कैसे निकल के आएगी वो भी दिखाएंगे। तो गाइज ये देख सकते हो हमारे डैशबोर्ड के फ्रेम को हाइड्रोडिप करा दिया, और काफ़ी करीब से दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो, ये देखो चॉकलेट कलर में है। बहुत सारे लोग इसको कॉफ़ी कलर भी बोलते हैं, डार्क चॉकलेट कलर में है, और ब्लैक एंड चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन आएगा फिटिंग के बाद दिखाऊंगा। साथ में देख सकते हो लोअर वाली पार्ट है जो डैशबोर्ड का वो भी है ये। तो गाइज ये देख सकते हो गियर नॉब, क्रेटा की गियर नॉब को भी सेम इंटीरियर कलर से मैच किया है, और कलर आप देख सकते हो बिल्कुल कॉफ़ी कलर है या आप चॉकलेट कलर, दोनों कलर आप कह सकते हो, अलग अलग लोग अपने हिसाब से कलर बताते हैं। तो ये देख सकते हो, ये लगने के बाद दिखाऊंगा गियर नॉब की इंटीरियर से कैसे मैच हो रही है। तो फटाफट से इसको फिट होने देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो गाइज़ फाइनली अपनी क्रेटा रेडी हो चुकी है, मॉडिफाई हो गई है, तो फटाफट से चलते हैं इंटीरियर दिखाते हैं आपको, इंटीरियर में हमने किस लेवल का काम किया है। तो गाइज़ एक बार इंटीरियर दिखाना चाहूँगा जो हमने सूट किया, अभी देख सकते हो ब्लैक एंड कॉफ़ी या चॉकलेट कलर कह सकते हो, वो वाली कलर हमने दिया इंटीरियर में। डोर्स के पैनल देख सकते हो, डोर्स के पैनल को भी हमने चेंज कर दिया, पहले का कलर ऑलरेडी आपको दिखाया, डोर्स का पैनल काफ़ी करीब से देखो, और इसकी स्टिचिंग देख सकते हो, और ये डोर्स के पैनल भी हमने कॉफ़ी एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन रखा है। स्टीरियो के साथ में ये सारे पैनल जो देख रहे हो ये पेंट हुए हैं, और अभी ये पॉलिश के शाइन दिख रही होंगी, तो ये ब्लैक के साथ इसका कॉम्बिनेशन रखा है। स्टेयरिंग पे देखोगे, स्टेयरिंग का भी रैपिंग किया चॉकलेट कॉफ़ी कलर में, कॉफ़ी कलर में इसके स्टिचिंग देख सकते हो बिल्कुल। साथ के साथ गाइज यहाँ देख सकते हो गियर नॉब वाले कपड़े को, इवन गियर पे जो ये चीज़ें हैं उसको भी हमने कॉफ़ी कलर में ही किया, और देख सकते हो फिनिशिंग देखो, ये चीज़ें जो हुई हैं ये है पेंट में, और इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। साथ में यहाँ पे लेदर की फिनिश दी गई है, यहाँ पे कपड़े चढ़ाए गए हैं जो कि है शाका लेदर में, और इसकी फिनिशिंग देख सकते हो करीब से देखो, स्टिचिंग बिल्कुल सिलाई के साथ प्रीमियम लेवल का एक फील दिया गया। और जो सीट लगाया हम लोगों ने, अल्ट्रा कम्फर्ट की सीट है, अल्ट्रा कम्फर्ट वाली सीट लगाई है ये है अपनी ड्राइवर साइड में। साथ के साथ गाइज नीचे की गई है फ्लोरिंग, फुल गाड़ी में फ्लोरिंग होगी, काफ़ी प्रीमियम सी लगने लगी क्रेटा। और ये देख सकते हो एक बार ओवरऑल इंटीरियर, रियर में दिखाना चाहूँगा गाइज, रियर के डोर के देख सकते हो, रियर के डोर को भी यहाँ पे कपड़े चढ़ाएंगे, और ये है इसकी सिलाई की गई है, और ये लेदर में है गाइज, स्मेल फ्री है। तो गाइज एक बार रियर की आपको दिखाऊं सीट कवर की फिटिंग, आप एक बार रियर की देखो, बिल्कुल सोफ़ा वाली सीट कवर है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा फिटिंग, एक्स्ट्रा कुशनिंग वाली। कलर आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कॉफ़ी कलर या आप कह सकते हो डार्क चॉकलेट कलर। एक बार देखो गाइज सीट कवर की फिटिंग देखो, और इसमें जो आपको कम्फर्ट मिलेंगे एक्स्ट्रा कम्फर्ट वाली जो सीट है वो है, और साथ के साथ यहाँ देख सकते हो आर्म रेस्ट को भी हम लोगों ने बनाया है, ये देख सकते हो, ये जी फिटिंग प्रॉपर फिटिंग देखो, ये देख सकते हो रियर की। एक बार रियर से आप फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू देखो, क्रेटा वही क्रेटा है, और अब देखो गाइस लुक, पहले की लुक आपने देखे रखी है, अब की लुक देखो, ये ड्राइवर साइड के गत्ते हैं, और ये देख सकते हो अल्ट्रा कंफर्ट वाली सीट। तो अब आप काफ़ी अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे, अगर आपको काम कराना सेम ऐसी कलर पसंद है या कोई से भी कलर पसंद है तो आप करा सकते हो इस शॉप से बहुत ही सस्ते प्राइस में, वो प्राइस भी लास्ट में क्लियर करूँगा सारी मॉडिफिकेशन दिखाने के बाद। और हमने साथ के साथ रूफ की लाइट को भी वाइट कर दिया जो कि पहले येलो वाला, और ये सारे पिलर देखो सी पिलर, ये बहुत ही रेयर करते हैं लोग, यहाँ देख सकते हो पिलर बी, और ये वाली पिलर देखो पिलर ए, और ये ड्राइवर साइड का पिलर है। जो काम हो रहा है गाइज वो हुआ है कार फैशन पे करोल बाग में, और होटल ग्रेस के पास है, नियर होटल ग्रेस है, और ये अपनी ओल्ड वाली क्रेटा है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी क्रेटा। तो गाइज आपके जो फाइनल क्वेश्चन होगा कि किस कॉस्ट में तैयार हुई है, जितनी मॉडिफिकेशन दिखाया वो अगर पसंद आए तो कमेंट्स करके बता सकते हो, और अगर कराना होगा तो कहाँ आना है सुरेश भैया बताएंगे। आपने आना हमारे कार फैशन पे, कार फैशन का जो आपको गूगल मैप पे अभी बता देते हैं सारे, सुधीर भैया के चैनल पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और आप नियर आर्य समाज रोड पे हमारा मेन रोड पे शॉप है, और पार्किंग भी इजीली हमारे पास, आपने देखा होगा कन्वीनियंट है हमारे पास, कोई स्पेस की गाइस स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा बात बताऊँ, मेरे व्यूवर्स का क्वेश्चन था जो मेरे चैनल के रेफरेंस से आएंगे उनको क्या डिस्काउंट दोगे आप, उनको
आपको बेटर डिस्काउंट तो आपको पता ही, सुधीर भाई आपके चैनल से जो भी आता है उनको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री। तो गाइज ये भी अपने चैनल के रेफरेंस से थे, और आप फुल कार मॉडिफिकेशन कराओगे तो ऑलमोस्ट 10% ये डिस्काउंट देते हैं जेन्युइन पार्ट पे, और काम मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है। तो कॉन्टेक्ट नंबर सुरेश भैया को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फाइनल इनसे कॉस्ट जानेंगे, इस गाड़ी की कॉस्ट कितनी आई है, कितने के तैयार किया है आपने? हमारी मान के चलो आप 18,000 रुपए में हमने गाड़ी कंप्लीट कर दी जी एक्स्ट्रा कुशनिंग। तो गाइज देख सकते हो एक्स्ट्रा कंफर्ट वाली, एक्स्ट्रा कुशनिंग वाली सीट कवर लगाने के बाद और ये सारे इंटीरियर करने के बाद 18,000 है। छोटे मोटे एक्सेसरीज हम अगर मिस कर रहे हैं तो वो एड ऑन हो जाते हैं, वो कस्टमर के डिमांड पे होते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर कोई क्वेरी हो तो कार फैशन वालों को कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिला। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तब तक के लिए गाइज गुड बाय।